खबर गाजीपुर जनपद से जानगर पंचायत सड़ात में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भारत माता मां सरस्वती की प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत वंदना प्रस्तुत किया गया एवं आए हुए अतिथियों में ओंकार गुप्त के द्वारा आजादी के 75 वर्ष पर बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया और विद्यालय के द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा सम्मान इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र चौबे, अध्यापक धर्मराज कुशवाहा, अध्यापक बाबूलाल यादव, अध्यापिका उर्मिला देवी, रामजी मोदनवाल, आशीष मोदनवाल सहित काफी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय पूरे देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम गाजीपुर जनपद के सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंच चुके हैं जो कि नगर पंचायत सादात में स्थित है। इसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है यह विद्यालय और इसमें धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई विशेष शिक्षाएं दी जाती हैं। इससे अपने धर्म का बोध हो, अपने सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान और धर्म का उद्बोधन हो, किस तरह से धार्मिक आस्था के साथ पूजन, आरती, बंदन, चरण स्पर्श, तमाम आदि सांस्कृतिक और पारिवारिक आध्यात्मिक सभी विचार बच्चों को समझाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे बालक उसे ग्रहण करके अपने परिवार में संस्कारवान बने। आइए हम मिलते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से। यही सर, क्या नाम है सर आपका? प्रकाश चंद चौबे। प्रकाश चंद चौबे जी, सर ये बताएं कि अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है आपके विद्यालय पे, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने नन्हे बालकों को? मैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप ही आने वाले भावी हमारे देश के कर्णधार है। आप लोग इस विभिषिका को जो हमारा देश जो झेला है यह दोबारा न होने पाए और जो हमारी शेष हमारे राष्ट्र का जो भूभाग है, जो हमारा क्षेत्र अभी दूसरे देश के नाम से जाना जाता है, वह भी भारत माता के गोद में आए, भारत माता का वहाँ भी पंचम लहराए, यही हम चाहते हैं सम्मिलित महोत्सव। अच्छा, आपके विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना होता है सब, तो क्या बच्चों को प्रार्थना के तौर पर यानी कि जो शुरुआती क्लास प्रारंभ होने के पहले जो है वंदन की जाती है, उसमें कौन कौन से वंदना की जाती है? सबसे पहले यहाँ पे ओंकार ध्वनि होती है, भारत माता की वंदना होती है, प्रातः स्मरण होता है और प्रातः स्मरण के बाद भारत माता का एकात्मता स्तोत्र होता है और इसके बाद जो है मातृ दीप प्रज्वलन होता है, दीप प्रज्वलन के बाद मातृ वंदना होती है, फिर भारत माता की वंदना होती है, फिर शांति पाठ होता है और उद्बोधन होता है। रोज प्रेरक प्रसंग भैया बहनों को बताया जाता है, कोई ना कोई प्रेरक प्रसंग। देखिए, हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी ने बताया कि प्रातः जब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो माता सरस्वती, माता भारती का पूजन किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, तब इसके बाद कक्षाएं हमारी प्रारंभ होती हैं। अब यह सोचिए कि सरस्वती शिशु मंदिर ही एक ऐसा विद्यालय है जो कि हमारे हिंदू धर्म की संस्था से जुड़ते हुए और बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं और ज्ञान दिया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से अपने परिवार में और धर्म आस्था के साथ रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही पारिवारिक जन लोग बैठे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं और हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके गार्जियन हमारे राम मणि के कभी श्याम।
कृष्ण रूप में।